जय हिंद दोस्तों, हिंडमन होम हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप बीएचएमएस, और आज मैं बात करने जा रहा हूं सेबाइना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कब कब इसका यूज किया जाता है और किस पोटेंसी में कैसे इस मेडिसिन को आपको लेना है। तो देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेबाइना होम्योपैथिक मेडिसिन का जो सेंटर ऑफ एक्शन है वो फीमेल डिजीजेस में, यानी कि स्पेशली ये महिलाओं की दवा है, जिसमें कि इसका सेंटर ऑफ एक्शन होता है यूट्रस पे, यानी कि बच्चेदानी पर इसका सेंटर ऑफ एक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि मिसकैरेज या फिर जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, गर्भपात बोलते हैं, वो बहुत ही आसानी से पेशेंट में हो जाता है। हमेशा हर तीसरे महीने पर जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हर तीसरे महीने पर उनको अबॉर्शन हो जाता है। इस तरीके की टेंडेंसी जो होती है जिन महिलाओं में रहती है वो सेबाइना होम्योपैथिक मेडिसिन के लक्षणों में से एक है। तो मिसकैरेज के लिए वहां पर बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन साबित होती है। साथ ही साथ जब यूट्रस में बहुत ही ज्यादा पेन बना रहता है, दर्द बना रहता है, और जो वो दर्द होता है थाइस तक यानी कि जंघाओं तक महिलाओं में पहुंच जाता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, तब जो है वो सेबाइना होम्योपैथिक मेडिसिन के लक्षणों में से एक है। वहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ जब मेंसेस बहुत ही ज्यादा आते हैं, प्रोफ्यूज आते हैं, क्वांटिटी उनकी बहुत ज्यादा आती है, ब्राइट कलर के आते हैं, तेज रंग के आते हैं, तो वहां पर भी मेंसेस के ज्यादा होने पर उसको कम करने में सेबाइना बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ जो फ्लूड होता है यानी कि ब्लड जो वहां पर आता है उसमें क्लॉट रहते हैं, यानी कि थक्का भी जमा हुआ होता है खून में, और साथ ही साथ फ्लूड यानी कि लिक्विड वाले ब्लड जो होता है और क्लॉट जो होता है, साथ में दोनों तरीके का ब्लड उसमें आता है। इस तरीके के मेंसेस में सेबाइना होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। पेशेंट में दर्द बना रहता है और जो दर्द है कमर के निचले वाले हिस्से से लेकर आगे तक, आगे वाले जो पार्ट होता है उसको हम प्यूबिस बोलते हैं, जहां हमारी हिप बोन दोनों आकर के मिलती हैं, तो पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो सैक्रम होता है हमारा, कमर के सबसे नीचे वाला, कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से से लेकर आगे तक प्यूबिस तक जो है पेशेंट का दर्द पहुंचता है, पीछे से लेकर आगे तक दर्द पेशेंट में वहां पर पहुंचता है। ये सेबाइना के लक्षण में से एक है, वहां पर भी इसका आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका यूज स्किन डिजीजेस में भी किया जाता है, स्पेशली वॉर्ट्स यानी कि मस्सों के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और वो मस्से किस तरीके के होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा खुजली रहती है और बहुत ही ज्यादा बर्निंग यानी कि बहुत ही ज्यादा जलन मची रहती है मस्सों में, इस तरीके के मस्सों की सेबाइना बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। वॉर्ट्स में भी इसका यूज वहां पर किया जाता है। छोटे छोटे पोर्स जो हैं जब हो जाते हैं स्किन में, ब्लैक पोर्स, ब्लैक कलर के पोर्स छोटे छोटे हो जाते हैं, उनमें भी जो है सेबाइना का यूज किया जाता है। साथ ही साथ गाउट की ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसमें कि हमारी जो जॉइंट्स हैं यानी कि जोड़ हैं, हड्डियों की जोड़ हैं, उसमें सूजन आ जाती है, गाउट जिस कंडीशन को हम बोलते हैं, उसमें सेबाइना का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। तो यह था सेबाइना मेडिसिन के बारे में। एक बार सिम्टम्स को समअप करें तो यूट्रस के डिजीजेस में, यूट्रस में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा और पैरों तक जा रहा है वो, यूट्रस में मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है पेशेंट को, मेंसेस बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, साथ साथ वॉर्ड्स की ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। कैसे इस मेडिसिन को आपको लेना है मैं आपको बता देता हूँ। लोकली आप अगर वॉर्ड्स के लिए इसको ले रहे हैं तो इसका मदर टिंचर थोड़ा सा लेना है आपको और लगा देना है, वरना अन्य डिजीजेस के लिए इसको आप ले रहे हैं, अन्य बीमारी के लिए ले रहे हैं, तो 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, मैं होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर देता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।